हेलो गाइज वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करने वाले हैं उसका नाम है गदर टू तो एक हिंदी वर्जन फिल्म का हिंदी वर्जन किस तरह से कैसे किया ऑफिशियली आपको देखने को मिलेगा इसके ऊपर हम बातचीत करने वाले इसके अलावा इस फिल्म के फ्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर डिटेलिंग डिटेलिंग मिलने वाली हैं इसके अलावा फिल्म से जुड़े सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वह भी शेयर किए जाएंगे फिल्म का एक डिटेल रिव्यू किया जाएगा आर्टिस्ट के बारे में जानेंगे फिल्म से जुड़े डिफरेंट डिफरेंट वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक जरूर बंद रहेगा आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं हेडपम्प खराब है और जाम भी बच्चा बड़ा हो गया है और खलनायक से मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान पहुंच गया है जैसा कि उसके पिता ने सत्रह साल पहले किया था गदर टू एक प्रेम कथा 2001 की अगली कड़ी पुरानी बोतल में पुरानी शराब का एक क्लासिक मामला है इसके चरित्र सेटिंग्स और आधार के संदर्भ में बहुत कम ताजगी प्रदान करता है फिर भी अपने यह एक्शन दर्शकों के साथ एडानाइल रस की क्षमता के कारण एक बार देखे जाने योग्य है पहली फिल्म में कुछ कमियाँ हैं क्योंकि इसमें कुछ नए चेहरों के अलावा कई पुराने किरदार भी नजर आते हैं निर्देशक अनिल शर्मा कहानी को आगे बढ़ाने के लिए स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव करते हैं और एक ऐसी कहानी करते हैं जो कुछ हिस्सों में काम करती है और कुछ जगह पर सुस्त भी रहती है जहाँ गदर ने तारा सिंह और सकीना की प्रेम कहानी बताई वही गदर टू भारत और पाकिस्तान के बीच नफरत की कहानी है जो खत्म होने से इनकार करती है इसे एक पिता के अपने बेटे के साथ रिश्ते के नजरिए से बताया गया है जैसे युद्ध का डर मंडरा रहा है पंजाब के लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र रावत ने तारा से अपने ट्रकों को तैनात करने के लिए भारतीय सेना को मदद के लिए सीमा पर तत्काल गोरा गोला बारूद भेजने के लिए मदद मांगी दुश्मनों से लड़ते हुए तारा छह भारतीय सैनिकों के साथ गायब हो जाती हैं बाद में पता चला कि उन्हें पाकिस्तान के मेजर मेजर जनरल हामिद इकबाल ने बंदी बना रखा है जो अपनी बटालियन के चालीस सदस्यों की मौत का बदला लेना चाहता है जिन्हें तारा ने गदर के क्लाइमैक्स के दौरान मार डाला था जैसे चरणजीत सिर्फ उर्फ जीते अपने पापा जी ढूंढने का बीड़ा उठाता है वह पाकिस्तान पहुंच जाता है उस अपने जी से दोबारा मिलने की संभव कोशिश करता है हालात तब खराब हो जाते जब जीता खुद पकड़ लिया जाता है और तारा के बचाव में आने का करता है इन सबके बीच फिल्म में एक पूरा हिस्सा ऐसा है जब देवल तस्वीर से गायब हो जाते हैं और अपने बेटे को वापस लाने के लिए पाकिस्तान में उत्पात मचाने के लिए वापस लौटते हैं जीते को भी पाकिस्तान में प्यार मिल मिलता है और उसकी मुलाकात मुस्कान से होती है ऐसा नहीं कि मैं तो उसको मिलने वाले स्क्रीन टाइम के बारे में शिकायत कर रहा हूँ लेकिन उस पर सभी स्पॉटलाइट के साथ गदर टू तारासी के प्रशंसकों का उपयोग करते हुए निर्देशक के बेटे के लिए एक लॉन्च पैड के रूप में अधिक प्रतीत होता है उत्कर्ष अच्छे हैं भले ही महा नहीं हैं, और वह अपने दर्शकों के दृढ़ विश्वास दिखाते हैं पहले भाग में उन्हें एक अभिनेता बनने की इच्छा रखने में एक मासूम युवा व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है वही दूसरे भाग में उन्हें अपने ऑन स्क्रीन पिता की तरफ वाले चिंतित कठोर और सख्त एक्शन हीरो के रूप में दिखाया गया है सनी देओल अपने किरदार के मासीमत को वापस लाते हैं उनके दृश्य स्क्रीन पर चमक लाते हैं अगर आप करी से देखें तो तारा एक शांति प्रिय व्यक्ति हैं जो जरूरत पड़ने पर ही अत्यधिक हिंसा का सहारा लेता है यह उन दृश्यों से स्पष्ट है जहां एक पाकिस्तानी पुलिसकर्मी के चेहरे पर मुक्का मारता है और राइफल उठाने की जम्म भी नहीं उठाता जो बारे में मदद कर सकती थी अमित शाह बिल्कुल औसत है उन्होंने पहली में जो किया उसे कुछ अलग करने की भी कोशिश नहीं करती दरअसल मुझे वह काफ़ी निरस और निष्प्राण लगी हालांकि तारा और सकीना की केमिस्ट्री उतनी ही मधुर और शुद्ध बनी हुई है जितनी आप उम्मीद करेंगे प्रतिपक्ष के रूप में वाद बुरे दिखते हैं उनकी स्क्रीन पर उपस्थिति मजबूत है दो घंटे पचास मिनट की गदर हेडपम्प खराब है और जाम भी बच्चा बड़ा हो गया है और खलनायक से मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान पहुंच गया है जैसा कि उसके पिता ने सत्रह साल पहले किया था गदर टू एक प्रेम कथा दो हजार एक की अगली कड़ी पुरानी बोतल में पुरानी शराब का एक क्लासिक मामला है इसके चरित्र सेटिंग्स और आधार के संदर्भ में बहुत कम ताजगी प्रदान करता है फिर भी अपने यह एक्शन दर्शकों के साथ एडानाइल रस दैनिक क्षमता के कारण एक बार देखे जाने योग्य है पहली फिल्म में कुछ कमियाँ हैं क्योंकि इसमें कुछ नए चेहरों के अलावा कई पुराने किरदार भी नजर आते हैं निर्देशक अनिल शर्मा कहानी को आगे बढ़ाने के लिए स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव करते हैं और एक ऐसी कहानी करते हैं जो कुछ हिस्सों में काम करती है और कुछ जगह पर सुस्त भी रहती है जहां गदर ने तारा सिंह और सकीना की प्रेम कहानी बताई वही गदर टू भारत और पाकिस्तान के बीच नफरत की कहानी है जो खत्म होने से इनकार करती है इसे एक पिता के अपने बेटे के साथ रिश्ते के नजरिए से बताया गया है जैसे युद्ध का डर मंडरा रहा है पंजाब के लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र रावत ने तारा से अपने ट्रकों को तैनात करने के लिए भारतीय सेना की मदद के लिए सीमा पर तत्काल गोरा गोला बारूद भेजने के लिए मदद मांगी दुश्मनों से लड़ते हुए तारा छह भारतीय सैनिकों के साथ गायब हो जाती हैं बाद में पता चला कि उन्हें पाकिस्तान के मेजर मेजर जनरल हामिद इकबाल ने बंदी बना रखा है जो अपने बटालियन के 40 सदस्यों की मौत का बदला लेना चाहता है जिन्हें तारा ने गदर के क्लाइमेक्स सिक्वेंस के दौरान मार डाला था जैसे चरणजीत सिर्फ उर्फ जीते अपने पापा जी ढूंढने का बीड़ा उठाता है वह पाकिस्तान पहुंच जाता है उस अपने जी से दोबारा मिलने की संभव कोशिश करता है हालात तब खराब हो जाते जब जीता खुद पकड़ लिया जाता है और तारा के बचाव में आने का करता है इन सबके बीच फिल्म में एक पूरा हिस्सा ऐसा है जब देवल तस्वीर से गायब हो जाते हैं और अपने बेटे को वापस लाने के लिए पाकिस्तान में उत्पात मचाने के लिए वापस लौटते हैं जीते को भी पाकिस्तान में प्यार मिल मिलता है और उसकी मुलाक़ात मुस्कान से होती हैं ऐसा नहीं है कि मैं तो उसको मिलने वाले स्क्रीन टाइम के बारे में शिकायत कर रहा हूँ लेकिन उस पर सभी स्पॉटलाइट के साथ गदर टू तारासी के प्रशंसकों का उपयोग करते हुए निर्देशक के बेटे के लिए एक लॉन्च पैड के रूप में अधिक प्रतीत होता है उत्कर्ष अच्छे हैं भले ही मह नहीं हैं और वह अपने दर्शकों के दृढ़ विश्वास दिखाते हैं यहाँ पहले भाग में उन्हें एक अभिनेता बनने की इच्छा रखने में एक मासूम युवा व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है वही दूसरे भाग में उन्हें अपने ऑन स्क्रीन पिता की तरफ डाँडी वाले चिंतित कठोर और सख्त एक्शन हीरो के रूप में दिखाया गया है सनी देओल अपने किरदार के मासूमत को वापस लाते हैं उनके दृश्य स्क्रीन पर चमक लाते हैं अगर आप से देखें तो तारा एक शांति प्रिय व्यक्ति है जो जरूरत पड़ने पर ही अत्यधिक हिंसा का सहारा लेता है यह उन दृश्यों से स्पष्ट है जहाँ एक पाकिस्तानी पुलिसकर्मी के चेहरे पर मुक्का मारता है और राइफल उठाने की जम्म भी नहीं उठाता जो बारे में मदद कर सकती थी अमित शाह बिल्कुल औसत हैं उन्होंने पहली फिल्म में जो किया उसे कुछ अलग करने की भी कोशिश नहीं करती दरअसल मुझे वह काफ़ी निरस और निष्प्राण लगी हालांकि तारा और सकीना की केमिस्ट्री उतनी मधुर और शुद्ध बनी हुई है जितनी आप उम्मीद करेंगे प्रतिपक्षी के रूप में वाद बुरे देखते हैं उनकी स्क्रीन पर उपस्थिति मजबूत है दो घंटे पचास मिनट की गदर हेडपम्प खराब है और जाम भी बच्चा बड़ा हो गया है और खलनायक से मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान पहुंच गया है जैसा कि उसके पिता ने सत्रह साल पहले किया था गदर टू एक प्रेम कथा दो हजार एक की अगली कड़ी पुरानी बोतल में पुरानी सरफ का एक क्लासिक मामला है इसके चरित्र सेटिंग्स और आधार के संदर्भ में बहुत कम ताजगी प्रदान करता है फिर भी अपने यह एक्शन दर्शकों के साथ एडानाइल रस दैनिक क्षमता के कारण एक बार देखे जाने योग्य है पहली फिल्म में कुछ कमियाँ हैं क्योंकि इसमें कुछ नए चेहरों के अलावा कई पुराने किरदार भी नजर आते हैं निर्देशक अनिल शर्मा कहानी को आगे बढ़ाने के लिए स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव करते हैं और एक ऐसी कहानी करते हैं जो कुछ हिस्सों में काम करती है और कुछ जगह पर सुस्त भी रहती है जहां गदर ने तारा सिंह और सकीना की प्रेम कहानी बताई वही गदर टू भारत और पाकिस्तान के बीच नफरत की कहानी है जो खत्म होने से इनकार करती है इसे एक पिता के अपने बेटे के साथ रिश्ते के नजरिए से बताया गया है जैसे युद्ध का डर मंडरा रहा है पंजाब के लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र रावत ने तारा से अपने ट्रकों को तैनात करने के लिए भारतीय सेना की मदद के लिए सीमा पर तत्काल गोरा गोला बारूद भेजने के लिए मदद मांगी दुश्मनों से लड़ते हुए तारा छह भारतीय सैनिकों के साथ गायब हो जाती हैं बाद में पता चला कि उन्हें पाकिस्तान के मेजर मेजर जनरल हामिद इकबाल ने बंदी बना रखा है जो अपने बटालियन के चालीस सदस्यों की मौत का बदला लेना चाहता है जिन्हें तारा ने गदर के क्लाइमैक्स सिक्वेंस के दौरान मार डाला था जैसे चरणजीत सिर्फ उर्फ जीते अपने पापा जी ढूंढने का बीड़ा उठाता है वह पाकिस्तान पहुंच जाता है उस अपने पिता जी से दोबारा मिलने की हरसंभव कोशिश करता है हालात तब खराब हो जाते जब जीता खुद पकड़ लिया जाता है और तारा के बचाव में आने का इंजार करता है इन सबके बीच फिल्म में एक पूरा हिस्सा ऐसा है जब देवल तस्वीर से गायब हो जाते हैं और अपने बेटे को वापस लाने के लिए पाकिस्तान में उत्पात मचाने के लिए वापस लौटते हैं जीते को भी पाकिस्तान में प्यार मिल मिलता है और उसकी मुलाक़ात मुस्कान से होती हैं ऐसा नहीं है कि मैं तो उसको मिलने वाले स्क्रीन टाइम के बारे में शिकायत कर रहा हूँ लेकिन उस पर सभी स्पॉटलाइट के साथ गदर टू तारासी के प्रशंसकों का उपयोग करते हुए निर्देशक के बेटे के लिए एक लॉन्च पैड के रूप में अधिक प्रतीत तो होता है उत्कर्ष अच्छे हैं भले ही माह नहीं हैं और वह अपने दर्शकों के दृढ़ विश्वास दिखाते हैं यहाँ पहले भाग में उन्हें एक अभिनेता बनने की इच्छा रखने में एक मासूम युवा व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है वही दूसरे भाग में उन्हें अपने ऑन स्क्रीन डाटी वाले चिंतित कठोर और सख्त एक्शन हीरो के रूप में दिखाया गया है सनी देओल अपने किरदार के मासमत को वापस लाते हैं उनके दृश्य स्क्रीन पर चमक लाते हैं अगर आप करिश देखें तो तारा एक शांति प्रिय व्यक्ति है जो जरूरत पड़ने पर ही अत्यधिक हिंसा का सहारा लेता है यह उन दृश्यों से स्पष्ट है जहाँ एक पाकिस्तानी पुलिसकर्मी के चेहरे पर मुका मारता है और राइफल उठाने की जम्मत भी नहीं उठाता जो बारे में मदद कर सकती थी अमित शाह बिल्कुल औसत हैं उन्होंने पहली फिल्म में जो किया उसे कुछ अलग करने की भी कोशिश नहीं करती दरअसल मुझे वह काफ़ी निरस और निष्प्राण लगी हालांकि तारा और सकीना की केमिस्ट्री उतनी मधुर और शुद्ध बनी हुई है जितनी आप उम्मीद करेंगे प्रतिपक्षी के रूप में वाद बुरे देखते हैं उनके स्क्रीन पर उपस्थित मजबूत है दो घंटे पचास मिनट की गदर टू थोड़ी लंबी है इसे आसानी से तीस मिनट का छोटा किया जा सकता था शक्तिमान तलवार का लेखन चतुर नहीं है संवादों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको वाह वाह करने पर मजबूर कर दे और जिन संवादों पर हेडपम्प खराब है और जाम भी बच्चा बड़ा हो गया है और खलनायक से मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान पहुंच गया है जैसा कि उसके पिता ने सत्रह साल पहले किया था गदर टू एक प्रेम कथा दो हजार एक की अगली कड़ी पुरानी बोतल में पुरानी शराब का एक क्लासिक मामला है इसके चरित्र सेटिंग्स और आधार के संदर्भ में बहुत कम ताजगी प्रदान करता है फिर भी अपने यह एक्शन दर्शकों के साथ एडानाइल देने की क्षमता के कारण एक बार देखे जाने योग्य है पहली फिल्म में कुछ कमियाँ हैं क्योंकि इसमें कुछ नए चेहरों के अलावा कई पुराने किरदार भी नजर आते हैं निर्देशक अनिल शर्मा कहानी को आगे बढ़ाने के लिए स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव करते हैं और एक ऐसी कहानी करते हैं जो कुछ हिस्सों में काम करती है और कुछ जगह पर सुस्त भी रहती है जहाँ गदर ने तारा सिंह और सकीना की प्रेम कहानी बताई वही गदर टू भारत और पाकिस्तान के बीच नफरत की कहानी है जो खत्म होने से इनकार करती है इसे एक पिता के अपने बेटे के साथ रिश्ते के नजरिए से बताया गया है जैसे युद्ध का डर मंडरा रहा है पंजाब के लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र रावत ने तारा से अपने ट्रकों को तैनात करने के लिए भारतीय सेना की मदद के लिए सीमा पर तत्काल गोरा गोला बारूद भेजने के लिए मदद मांगी दुश्मनों से लड़ते हुए तारा छह भारतीय सैनिकों के साथ गायब हो जाती हैं बाद में पता चला कि उन्हें पाकिस्तान के मेजर मेजर जनरल हामिद इकबाल ने बंदी बना रखा है जो अपने बटालियन के 40 सदस्यों की मौत का बदला लेना चाहता है जिन्हें तारा ने गदर के क्लाइमेक्स सिक्वेंस के दौरान मार डाला था जैसे तरनजीत सिर्फ उर्फ जीते अपने पापा जी ढूंढने का बीड़ा उठाता है वह पाकिस्तान पहुंच जाता है उस अपने जी से दोबारा मिलने की संभव कोशिश करता है हालात तब खराब हो जाते जब जीता खुद पकड़ लिया जाता है और तारा के बचाव में आने का करता है इन सब के बीच फिल्म में एक पूरा हिस्सा ऐसा है जब देवल तस्वीर से गायब हो जाते हैं और अपने बेटे को वापस लाने के लिए पाकिस्तान में उत्पात मचाने के लिए वापस लौटते हैं जीते को भी पाकिस्तान में प्यार मिल मिलता है और उसकी मुलाकात मुस्कान से होती हैं ऐसा नहीं है कि मैं तो उसको मिलने वाले स्क्रीन टाइम के बारे में शिकायत कर रहा हूँ लेकिन उस पर सभी स्पॉटलाइट के साथ गदर टू तारासी के प्रशंसकों का उपयोग करते हुए निर्देशक के बेटे के लिए एक लॉन्च पैड के रूप में अधिक प्रतीत होता है उत्कर्ष अच्छे हैं भले ही मह नहीं हैं और वह अपने दर्शकों के दृढ़ विश्वास दिखाते हैं यहाँ पहले भाग में उन्हें एक अभिनेता बनने की इच्छा रखने में एक मासूम युवा व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है वही दूसरे भाग में उन्हें अपने ऑन स्क्रीन पिता की तरफ डाँडी वाले चिंतित कठोर और सख्त एक्शन हीरो के रूप में दिखाया गया है सनी देओल अपने किरदार के मासमत को वापस लाते हैं उनके दृश्य स्क्रीन पर चमक लाते हैं अगर आप करिश देखें तो तारा एक शांति प्रिय व्यक्ति है जो जरूरत पड़ने पर ही अत्यधिक हिंसा का सहारा लेता है यह उन दृश्यों से स्पष्ट है जहाँ एक पाकिस्तानी पुलिसकर्मी के चेहरे पर मुक्का मारता है और राइफल उठाने की जम्मत भी नहीं उठाता जो बारे में मदद कर सकती थी अमित शाह बिल्कुल औसत हैं उन्होंने पहली फिल्म में जो किया उसे कुछ अलग करने की भी कोशिश नहीं करती दरअसल मुझे वह काफ़ी निरस और निष्प्राण लगी हालांकि तारा और सकीना की केमिस्ट्री उतनी मधुर और शुद्ध बनी हुई है जितनी आप उम्मीद करेंगे प्रतिपक्षी के रूप में वाद बुरे देखते हैं उनकी स्क्रीन पर उपस्थित मजबूत है दो घंटे पचास मिनट की गदर टू थोड़ी लंबी है इसे आसानी से तीस मिनट का छोटा किया जा सकता था शक्तिमान तलवार का लेखन चतुर नहीं है संवादों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको वाह वाह करने पर मजबूर कर दे और जिन संवादों पर हेडपम्प खराब है और जाम भी बच्चा बड़ा हो गया है और खलनायक से मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान पहुंच गया है जैसा कि उसके पिता ने सत्रह साल पहले किया था गदर टू एक प्रेम कथा दो हजार एक की अगली कड़ी पुरानी बोतल में पुरानी सरप का एक क्लासिक मामला है इसके चरित्र सेटिंग्स और आधार के संदर्भ में बहुत कम ताजगी प्रदान करता है फिर भी अपने यह एक्शन दर्शकों के साथ एडानाइल रस दैनिक क्षमता के कारण एक बार देखे जाने योग्य है पहली फिल्म में कुछ कमियाँ हैं क्योंकि इसमें कुछ नए चेहरों के अलावा कई पुराने किरदार भी नजर आते हैं निर्देशक अनिल शर्मा कहानी को आगे बढ़ाने के लिए स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव करते हैं और एक ऐसी कहानी करते हैं जो कुछ हिस्सों में काम करती है और कुछ जगह पर सुस्त भी रहती है जहां गदर ने तारा सिंह और सकीना की प्रेम कहानी बताई वही गदर टू भारत और पाकिस्तान के बीच नफरत की कहानी है जो खत्म होने से इनकार करती है इसे एक पिता के अपने बेटे के साथ रिश्ते के नजरिए से बताया गया है जैसे युद्ध का डर मंडरा रहा है पंजाब के लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र रावत ने तारा से अपने ट्रकों को तैनात करने के लिए भारतीय सेना की मदद के लिए सीमा पर तत्काल गोरा गोला बारूद भेजने के लिए मदद मांगी दुश्मनों से लड़ते हुए तारा छह भारतीय सैनिकों के साथ गायब हो जाती हैं बाद में पता चला कि उन्हें पाकिस्तान के मेजर मेजर जनरल हामिद इकबाल ने बंदी बना रखा है जो अपने बटालियन के 40 सदस्यों की मौत का बदला लेना चाहता है जिन्हें तारा ने गदर के क्लाइमेक्स सिक्वेंस के दौरान मार डाला था जैसे चरणजीत सिर्फ उर्फ जीते अपने पापा जी ढूंढने का बीड़ा उठाता है वह पाकिस्तान पहुंच जाता है उस अपने जी से दोबारा मिलने की संभव कोशिश करता है आलात तब खराब हो जाते जब जीता खुद पकड़ लिया जाता है और तारा के बचाव में आने का करता है इन सबके बीच फिल्म में एक पूरा हिस्सा ऐसा है जब देवल तस्वीर से गायब हो जाते हैं और अपने बेटे को वापस लाने के लिए पाकिस्तान में उत्पात मचाने के लिए वापस लौटते हैं जीते को भी पाकिस्तान में प्यार मिल मिलता है और उसकी मुलाक़ात मुस्कान से होती हैं ऐसा नहीं है कि मैं तो उसको मिलने वाले स्क्रीन टाइम के बारे में शिकायत कर रहा हूँ लेकिन उस पर सभी स्पॉटलाइट के साथ गदर टू तारासी के प्रशंसकों का उपयोग करते हुए निर्देशक के बेटे के लिए एक लॉन्च पैड के रूप में अधिक प्रतीत तो होता है उत्कर्ष अच्छे हैं भले ही माह नहीं हैं और वह अपने दर्शकों के दृढ़ विश्वास दिखाते हैं पहले भाग में उन्हें एक अभिनेता बनने की इच्छा रखने में एक मासूम युवा व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है वही दूसरे भाग में उन्हें अपने ऑन स्क्रीन पिता की तरह वाले चिंतित कठोर और सख्त एक्शन हीरो के रूप में दिखाया गया है सनी देवल अपने किरदार के मासूमत को वापस लाते हैं उनके दृश्य स्क्रीन पर चमक लाते हैं अगर आप करी से देखें तो तारा एक शांति प्रिय व्यक्ति है जो जरूरत पड़ने पर ही अत्यधिक हिंसा का सहारा लेता है यह उन दृश्यों से स्पष्ट है जहाँ एक पाकिस्तानी पुलिसकर्मी के चेहरे पर मुका मारता है और राइफल उठाने की जम्म भी नहीं उठाता जो बारे में मदद कर सकती थी अमित शाह बिल्कुल औसत हैं उन्होंने पहली में जो किया उसे कुछ अलग करने की भी कोशिश नहीं करती दरअसल मुझे वह काफ़ी निरस और निष्प्राण लगी हालांकि तारा और सकीना की केमिस्ट्री उतनी मधुर और शुद्ध बनी हुई है जितनी आप उम्मीद करेंगे प्रतिपक्षी के रूप में वाद बुरे देखते हैं उनके स्क्रीन पर उपस्थित मजबूत है दो घंटे पचास मिनट की गदर टू थोड़ी लंबी है इसे आसानी से तीस मिनट का छोटा किया जा सकता था शक्तिमान तलवार का लेखन चतुर नहीं है संवादों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको वाह वाह करने पर मजबूर कर दे और जिन संवादों पर हेडपम्प खराब है और जाम भी बच्चा बड़ा हो गया है और खलनायक से मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान पहुंच गया है जैसा कि उसके पिता ने सत्रह साल पहले किया था गदर टू एक प्रेम कथा दो हजार एक की अगली कड़ी पुरानी बोतल में पुरानी शराब का एक क्लासिक मामला है इसके चरित्र सेटिंग्स और आधार के संदर्भ में बहुत कम ताजगी प्रदान करता है फिर भी अपने यह एक्शन दर्शकों के साथ एडानाइल रस दैनिक क्षमता के कारण एक बार देखे जाने योग्य है पहली फिल्म में कुछ कमियाँ हैं क्योंकि इसमें कुछ नए चेहरों के अलावा कई पुराने किरदार भी नजर आते हैं निर्देशक अनिल शर्मा कहानी को आगे बढ़ाने के लिए स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव करते हैं और एक ऐसी कहानी करते हैं जो कुछ हिस्सों में काम करती है और कुछ जगह पर सुस्त भी रहती है जहां गदर ने तारा सिंह और सकीना की प्रेम कहानी बताई वही गदर टू भारत और पाकिस्तान के बीच नफरत की कहानी है जो खत्म होने से इनकार करती है इसे एक पिता के अपने बेटे के साथ रिश्ते के नजरिए से बताया गया है जैसे युद्ध का डर मंडरा रहा है पंजाब के लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र रावत ने तारा से अपने ट्रकों को तैनात करने के लिए भारतीय सेना की मदद के लिए सीमा पर तत्काल गोरा गोला बारूद भेजने के लिए मदद मांगी दुश्मनों से लड़ते हुए तारा छह भारतीय सैनिकों के साथ गायब हो जाती हैं बाद में पता चला कि उन्हें पाकिस्तान के मेजर मेजर जनरल हामिद इकबाल ने बंदी बना रखा है जो अपने बटालियन के 40 सदस्यों की मौत का बदला लेना चाहता है जिन्हें तारा ने गदर के क्लाइमैक्स सिक्वेंस के दौरान मार डाला था जैसे चरणजीत सिर्फ उर्फ जीते अपने पापा जी ढूंढने का बीड़ा उठाता है वह पाकिस्तान पहुंच जाता है उस अपने जी से दोबारा मिलने की संभव कोशिश करता है आला तब खराब हो जाते जब जीता खुद पकड़ लिया जाता है और तारा के बचाव में आने का इंजार करता है इन सबके बीच फिल्म में एक पूरा हिस्सा ऐसा है जब देवल तस्वीर से गायब हो जाते हैं और अपने बेटे को वापस लाने के लिए पाकिस्तान में उत्पात मचाने के लिए वापस लौटते हैं जीते को भी पाकिस्तान में प्यार मिल मिलता है और उसकी मुलाकात मुस्कान से होती हैं ऐसा नहीं है कि मैं तो उसको मिलने वाले स्क्रीन टाइम के बारे में शिकायत कर रहा हूँ लेकिन उस पर सभी स्पॉटलाइट के साथ गदर टू तारासी के प्रशंसकों का उपयोग करते हुए निर्देशक के बेटे के लिए एक लॉन्च पैड के रूप में अधिक प्रतीत होता है उत्कर्ष अच्छे हैं भले ही माह नहीं हैं और वह अपने दर्शकों के दृढ़ विश्वास दिखाते हैं यहाँ पहले भाग में उन्हें एक अभिनेता बनने की इच्छा रखने में एक मासूम युवा व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है वहीं दूसरे भाग में उन्हें अपने ऑन स्क्रीन पिता की तरह डाडी वाले चिंतित कठोर और सख्त एक्शन हीरो के रूप में दिखाया गया है सनी देओल अपने किरदार के मासमत को वापस लाते हैं उनके दृश्य स्क्रीन पर चमक लाते हैं अगर आप करीब से देखें तो तारा एक शांति प्रिय व्यक्ति है जो जरूरत पड़ने पर ही अत्यधिक हिंसा का सहारा लेता है यह उन दृश्यों से स्पष्ट है जहाँ एक पाकिस्तानी पुलिसकर्मी के चेहरे पर मुका मारता है और राइफल उठाने की जम्मत भी नहीं उठाता जो बारे में मदद कर सकती थी अमित शाह बिल्कुल औसत हैं उन्होंने पहली फिल्म में जो किया उसे कुछ अलग करने की भी कोशिश नहीं करती दरअसल मुझे वह काफ़ी निरस और निष्प्राण लगी हालांकि तारा और सकीना की केमिस्ट्री उतनी मधुर और शुद्ध बनी हुई है जितनी आप उम्मीद करेंगे प्रतिपक्षी के रूप में वादा बुरे देखते हैं उनकी स्क्रीन पर उपस्थित मजबूत है दो घंटे पचास मिनट की गदर टू थोड़ी लंबी है इससे आसानी से तीस मिनट तक का छोटा किया जा सकता था शक्तिमान तलवार का लेखन चतुर नहीं है संवादों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको वाह वाह करने पर मजबूर कर दे और जिन संवादों पर सम... हेडपम्प खराब है और जाम भी बच्चा बड़ा हो गया है और खलनायक से मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान पहुंच गया है जैसा कि उसके पिता ने सत्रह साल पहले किया था गदर टू एक प्रेम कथा दो हजार एक की अगली कड़ी पुरानी बोतल में पुरानी शराब का एक क्लासिक मामला है इसके चरित्र और सेटिंग्स और आधार के संदर्भ में बहुत कम ताजगे प्रदान करता है फिर भी अपने यह एक्शन दर्शकों के साथ एडानाइल रस दैनिक क्षमता के कारण एक बार देखे जाने योग्य है पहली फिल्म में कुछ कमियाँ हैं क्योंकि इसमें कुछ नए चेहरों के अलावा कई पुराने किरदार भी नजर आते हैं निर्देशक अनिल शर्मा कहानी को आगे बढ़ाने के लिए स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव करते हैं और एक ऐसी कहानी करते हैं जो कुछ हिस्सों में काम करती है और कुछ जगह पर सुस्त भी रहती है जहाँ गदर ने तारा सिंह और सकीना की प्रेम कहानी बताई वही गदर टू भारत और पाकिस्तान के बीच नफरत की कहानी है जो खत्म होने से इनकार करती है इसे एक पिता के अपने बेटे के साथ रिश्ते के नजरिए से बताया गया है जैसे युद्ध का डर मंडरा रहा है पंजाब के लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र रावत ने तारा से अपने ट्रकों को तैनात करने के लिए भारतीय सेना की मदद के लिए सीमा पर तत्काल गोरा गोला बारूद भेजने के लिए मदद मांगी दुश्मनों से लड़ते हुए तारा छह भारतीय सैनिकों के साथ गायब हो जाती हैं बाद में पता चला कि उन्हें पाकिस्तान के मेजर मेजर जनरल हामिद इकबाल ने बंदी बना रखा है जो अपने बटालियन के 40 सदस्यों की मौत का बदला लेना चाहता है जिन्हें तारा ने गदर के क्लाइमेक्स सिक्वेंस के दौरान मार डाला था जैसे तरनजीत सिर्फ उर्फ जीते अपने पापा जी ढूंढने का बीड़ा उठाता है वह पाकिस्तान पहुंच जाता है उस अपने पिता जी से दोबारा मिलने की हरसंभव कोशिश करता है हालात तब खराब हो जाते जब जीता खुद पकड़ लिया जाता है और तारा के बचाव में आने का करता है इन सबके बीच फिल्म में एक पूरा हिस्सा ऐसा है जब देवल तस्वीर से गायब हो जाते हैं और अपने बेटे को वापस लाने के लिए पाकिस्तान में उत्पात मचाने के लिए वापस लौटते हैं जीते को भी पाकिस्तान में प्यार मिल मिलता है और उसकी मुलाकात मुस्कान से होती हैं ऐसा नहीं है कि मैं तो उसको मिलने वाले स्क्रीन टाइम के बारे में शिकायत कर रहा हूँ लेकिन उस पर सभी स्पॉटलाइट के साथ गदर टू तारासी के प्रशंसकों का उपयोग करते हुए निर्देशक के बेटे के लिए एक लॉन्च पैड के रूप में अधिक प्रतीत तो होता है उत्कर्ष अच्छे हैं भले ही मह नहीं हैं और वह अपने दर्शकों के दृढ़ विश्वास दिखाते हैं यहाँ पहले भाग में उन्हें एक अभिनेता बनने की इच्छा रखने में एक मासूम युवा व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है वही दूसरे भाग में उन्हें अपने ऑन स्क्रीन पिता की तरफ डाँडी वाले चिंतित कठोर और सख्त एक्शन हीरो के रूप में दिखाया गया है सनी देओल अपने किरदार के मासमत को वापस लाते हैं उनके दृश्य स्क्रीन पर चमक लाते हैं अगर आप करिश देखें तो तारा एक शांति प्रिय व्यक्ति है जो जरूरत पड़ने पर ही अत्यधिक हिंसा का सहारा लेता है यह उन दृश्यों से स्पष्ट है जहाँ एक पाकिस्तानी पुलिसकर्मी के चेहरे पर मुक्का मारता है और राइफल उठाने की जम्मत भी नहीं उठाता जो बारे में मदद कर सकती थी अमित शाह बिल्कुल औसत हैं उन्होंने पहली फिल्म में जो किया उसे कुछ अलग करने की भी कोशिश नहीं करती दरअसल मुझे वह काफ़ी निरस और निष्प्राण लगी हालांकि तारा और सकीना की केमिस्ट्री उतनी ही मधुर और शुद्ध बनी हुई है जितनी आप उम्मीद करेंगे प्रतिपक्षी के रूप में वाद बुरे देखते हैं उनकी स्क्रीन पर उपस्थित मजबूत है दो घंटे पचास मिनट की गदर टू थोड़ी लंबी है इसे आसानी से तीस मिनट का छोटा किया जा सकता था शक्तिमान तलवार का लेखन चतुर नहीं है संवादों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको वाह वाह करने पर मजबूर कर दे और जिन संवादों पर हेडपम्प खराब है और जाम भी बच्चा बड़ा हो गया है और खलनायक से मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान पहुंच गया है जैसा कि उसके पिता ने सत्रह साल पहले किया था गदर टू एक प्रेम कथा दो हजार एक की अगली कड़ी पुरानी बोतल में पुरानी शराब का एक क्लासिक मामला है इसके चरित्र और सेटिंग्स और आधार के संदर्भ में बहुत कम ताजगी प्रदान करता है फिर भी अपने यह एक्शन दर्शकों के साथ एडानाइल रस दैनिक क्षमता के कारण एक बार देखे जाने योग्य है पहली फिल्म में कुछ कमियाँ हैं क्योंकि इसमें कुछ नए चेहरों के अलावा कई पुराने किरदार भी नजर आते हैं निर्देशक अनिल शर्मा कहानी को आगे बढ़ाने के लिए स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव करते हैं और एक ऐसी कहानी करते हैं जो कुछ हिस्सों में काम करती है और कुछ जगह पर सुस्त भी रहती है जहाँ गदर ने तारा सिंह और सकीना की प्रेम कहानी बताई वही गदर टू भारत और पाकिस्तान के बीच नफरत की कहानी है जो खत्म होने से इनकार करती है इसे एक पिता के अपने बेटे के साथ रिश्ते के नजरिए से बताया गया है जैसे युद्ध का डर मंडरा रहा है पंजाब के लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र रावत ने तारा से अपने ट्रकों को तैनात करने के लिए भारतीय सेना की मदद के लिए सीमा पर तत्काल गोरा गोला बारूद भेजने के लिए मदद मांगी दुश्मनों से लड़ते हुए तारा छह भारतीय सैनिकों के साथ गायब हो जाती हैं बाद में पता चला कि उन्हें पाकिस्तान के मेजर मेजर जनरल हामिद इकबाल ने बंदी बना रखा है जो अपने बटालियन के 40 सदस्यों की मौत का बदला लेना चाहता है जिन्हें तारा ने गदर के क्लाइमेक्स सिक्वेंस के दौरान मार डाला था जैसे चरणजीत सिर्फ उर्फ जीते अपने पापा जी ढूंढने का बीड़ा उठाता है वह पाकिस्तान पहुंच जाता है उस अपने पिता जी से दोबारा मिलने की संभव कोशिश करता है हालात तब खराब हो जाते जब जीता खुद पकड़ लिया जाता है और तारा के बचाव में आने का करता है इन सब के बीच फिल्म में एक पूरा हिस्सा ऐसा है जब देवल तस्वीर से गायब हो जाते हैं और अपने बेटे को वापस लाने के लिए पाकिस्तान में उत्पात मचाने के लिए वापस लौटते हैं जीते को भी पाकिस्तान में प्यार मिल मिलता है और उसकी मुलाकात मुस्कान से होती हैं ऐसा नहीं है कि मैं तो उसको मिलने वाले स्क्रीन टाइम के बारे में शिकायत कर रहा हूँ लेकिन उस पर सभी स्पॉटलाइट के साथ गदर टू तारासी के प्रशंसकों का उपयोग करते हुए निर्देशक के बेटे के लिए एक लॉन्च पैड के रूप में अधिक प्रतीत होता है उत्कर्ष अच्छे हैं भले ही मह नहीं हैं और वह अपने दर्शकों के दृढ़ विश्वास दिखाते हैं यहाँ पहले भाग में उन्हें एक अभिनेता बनने की इच्छा रखने में एक मासूम युवा व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है वही दूसरे भाग में उन्हें अपने ऑन स्क्रीन पिता की तरफ डाडी वाले चिंतित कठोर और सख्त एक्शन हीरो के रूप में दिखाया गया है सनी देवल अपने किरदार के मासूमत को वापस लाते हैं उनके दृश्य स्क्रीन पर चमक लाते हैं अगर आप से देखें तो तारा एक शांति प्रिय व्यक्ति है जो जरूरत पड़ने पर ही अत्यधिक हिंसा का सहारा लेता है यह उन दृश्यों से स्पष्ट है जहाँ एक पाकिस्तानी पुलिसकर्मी के चेहरे पर मुका मारता है और राइफल उठाने की जम्मत भी नहीं उठाता जो बारे में मदद कर सकती थी अमित शाह बिल्कुल औसत हैं उन्होंने पहली फिल्म में जो किया उसे कुछ अलग करने की भी कोशिश नहीं करती दरअसल मुझे वह काफ़ी निरस और निष्प्राण लगी हालांकि तारा और सकीना की केमिस्ट्री उतनी मधुर और शुद्ध बनी हुई है जितनी आप उम्मीद करेंगे प्रतिपक्ष के रूप में वादव बुरे देखते हैं उनके स्क्रीन पर उपस्थित मजबूत है दो घंटे पचास मिनट की गदर टू थोड़ी लंबी है इसे आसानी से तीस मिनट का छोटा किया जा सकता था शक्तिमान तलवार का लेखन चतुर नहीं है संवादों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको वाह वाह करने पर मजबूर कर दे और जिन संवादों पर स... हेडपम्प खराब है और जाम भी बच्चा बड़ा हो गया है और खलनायक से मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान पहुंच गया है जैसा कि उसके पिता ने सत्रह साल पहले किया था गदर टू एक प्रेम कथा दो हजार एक की अगली कड़ी पुरानी बोतल में पुरानी शराब का एक क्लासिक मामला है इसके चरित्र सेटिंग्स और आधार के संदर्भ में बहुत कम ताजगी प्रदान करता है फिर भी अपने यह एक्शन दर्शकों के साथ एडानाइल रस दैनिक क्षमता के कारण एक बार देखे जाने योग्य है पहली फिल्म में कुछ कमियाँ हैं क्योंकि इसमें कुछ नए चेहरों के अलावा कई पुराने किरदार भी नजर आते हैं निर्देशक अनिल शर्मा कहानी को आगे बढ़ाने के लिए स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव करते हैं और एक ऐसी कहानी करते हैं जो कुछ हिस्सों में काम करती है और कुछ जगह पर सुस्त भी रहती है जहाँ गदर ने तारा सिंह और सकीना की प्रेम कहानी बताई वही गदर टू भारत और पाकिस्तान के बीच नफरत की कहानी है जो खत्म होने से इनकार करती है इसे एक पिता के अपने बेटे के साथ रिश्ते के नजरिए से बताया गया है जैसे युद्ध का डर मंडरा रहा है पंजाब के लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र रावत ने तारा से अपने ट्रकों को तैनात करने के लिए भारतीय सेना को मदद के लिए सीमा पर तत्काल गोरा गोला बारूद भेजने के लिए मदद मांगी दुश्मनों से लड़ते हुए तारा छह भारतीय सैनिकों के साथ गायब हो जाती हैं बाद में पता चला कि उन्हें पाकिस्तान के मेजर मेजर जनरल हामिद इकबाल ने बंदी बना रखा है जो अपने बटालियन के 40 सदस्यों की मौत का बदला लेना चाहता है जिन्हें तारा ने गदर के क्लाइमेक्स सिक्वेंस के दौरान मार डाला था जैसे तरनजीत सिर्फ उर्फ जीते अपने पापा जी ढूंढने का बीड़ा उठाता है वह पाकिस्तान पहुंच जाता है उस अपने पिता जी से दोबारा मिलने की संभव कोशिश करता है हालात तब खराब हो जाते जब जीता खुद पकड़ लिया जाता है और तारा के बचाव में आने का इंजार करता है इन सबके बीच फिल्म में एक पूरा हिस्सा ऐसा है जब देवल तस्वीर से गायब हो जाते हैं और अपने बेटे को वापस लाने के लिए पाकिस्तान में उत्पात मचाने के लिए वापस लौटते हैं जीते को भी पाकिस्तान में प्यार मिल मिलता है और उसकी मुलाकात मुस्कान से होती हैं ऐसा नहीं है कि मैं तो उसको मिलने वाले स्क्रीन टाइम के बारे में शिकायत कर रहा हूँ लेकिन उस पर सभी स्पॉटलाइट के साथ गदर टू तारासी के प्रशंसकों का उपयोग करते हुए निर्देशक के बेटे के लिए एक लॉन्च पैड के रूप में अधिक प्रतीत होता तो है उत्कर्ष अच्छे हैं भले ही माह नहीं हैं और वह अपने दर्शकों के दृढ़ विश्वास दिखाते हैं यहाँ पहले भाग में उन्हें एक अभिनेता बनने की इच्छा रखने में एक मासूम युवा व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है वही दूसरे भाग में उन्हें अपने ऑन स्क्रीन पिता की तरह डाडी वाले चिंतित कठोर और सख्त एक्शन हीरो के रूप में दिखाया गया है सनी देओल अपने किरदार के मासमत को वापस लाते हैं उनके दृश्य स्क्रीन पर चमक लाते हैं अगर आप कर देखें तो तारा एक शांति प्रिय व्यक्ति है जो जरूरत पड़ने पर ही अत्यधिक हिंसा का सहारा लेता है यह उन दृश्यों से स्पष्ट है जहाँ एक पाकिस्तानी पुलिसकर्मी के चेहरे पर मुक्का मारता है और राइफल उठाने की जम्मत भी नहीं उठाता जो बारे में मदद कर सकती थी अमित शाह बिल्कुल औसत हैं उन्होंने पहली फिल्म में जो किया उसे कुछ अलग करने की भी कोशिश नहीं करती दरअसल मुझे वह काफ़ी निरस और निष्प्राण लगी हालांकि तारा और सकीना की केमिस्ट्री उतनी मधुर और शुद्ध बनी हुई है जितनी आप उम्मीद करेंगे प्रतिपक्षी के रूप में वादा बुरे देखते हैं उनकी स्क्रीन पर उपस्थित मजबूत है दो घंटे पचास मिनट की गदर टू थोड़ी लंबी है इससे आसानी से तीस मिनट तक का छोटा किया जा सकता था शक्तिमान तलवार का लेखन चतुर नहीं है संवादों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको वाह वाह करने पर मजबूर कर दे और जिन संवादों पर हेडपम्प खराब है और जाम भी बच्चा बड़ा हो गया है और खलनायक से मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान पहुंच गया है जैसा कि उसके पिता ने सत्रह साल पहले किया था गदर टू एक प्रेम कथा दो हजार एक की अगली कड़ी पुरानी बोतल में पुरानी शराब का एक क्लासिक मामला है इसके चरित्र सेटिंग्स और आधार के संदर्भ में बहुत कम ताजगी प्रदान करता है फिर भी अपने यह एक्शन दर्शकों के साथ एडनाइल रस दैनिक क्षमता के कारण एक बार देखे जाने योग्य है पहली फिल्म है कुछ है में कुछ कमियाँ हैं क्योंकि इसमें कुछ नए चेहरों के अलावा कई पुराने किरदार भी नजर आते हैं निर्देशक अनिल शर्मा कहानी को आगे बढ़ाने के लिए स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव करते हैं और एक ऐसी कहानी करते हैं जो कुछ हिस्सों में काम करती है और कुछ जगह पर सुस्त भी रहती है जहाँ गदर ने तारा सिंह और सकीना की प्रेम कहानी बताई वही गदर टू भारत और पाकिस्तान के बीच नफरत की कहानी है जो खत्म होने से इनकार करती है इसे एक पिता के अपने बेटे के साथ रिश्ते के नजरिए से बताया गया है जैसे युद्ध का डर मंडरा रहा है पंजाब के लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र रावत ने तारा से अपने ट्रकों को तैनात करने के लिए भारतीय सेना की मदद के लिए सीमा पर तत्काल गोरा गोला बारूद भेजने के लिए मदद मांगी दुश्मनों से लड़ते हुए तारा छह भारतीय सैनिकों के साथ गायब हो जाती हैं बाद में पता चला कि उन्हें पाकिस्तान के मेजर मेजर जनरल हामिद इकबाल ने बंदी बना रखा है जो अपने बटालियन के 40 सदस्यों की मौत का बदला लेना चाहता है जिन्हें तारा ने गदर के क्लाइमेक्स सिक्वेंस के दौरान मार डाला था जैसे चरण सिर्फ उर्फ जीते अपने पापा जी ढूंढने का बीड़ा उठाता है वह पाकिस्तान पहुंच जाता है उस अपने जी से दोबारा मिलने की संभव कोशिश करता है हालात तब खराब हो जाते जब जीता खुद पकड़ लिया जाता है और तारा के बचाव में आने का करता है इन सबके बीच फिल्म में एक पूरा हिस्सा ऐसा है जब देवल तस्वीर से गायब हो जाते हैं और अपने बेटे को वापस लाने के लिए पाकिस्तान में उत्पात मचाने के लिए वापस लौटते हैं जीते को भी पाकिस्तान में प्यार मिल मिलता है और उसकी मुलाकात मुस्कान से होती हैं ऐसा नहीं है कि मैं तो उसको मिलने वाले स्क्रीन टाइम के बारे में शिकायत कर रहा हूँ लेकिन उस पर सभी स्पॉटलाइट के साथ गदर टू तारासी के प्रशंसकों का उपयोग करते हुए निर्देशक के बेटे के लिए एक लॉन्च पैड के रूप में अधिक प्रतीत तो होता है उत्कर्ष अच्छे हैं भले ही मह नहीं हैं और वह अपने दर्शकों के दृढ़ विश्वास दिखाते हैं यहाँ पहले भाग में उन्हें एक अभिनेता बनने की इच्छा रखने में एक मासूम युवा व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है वही दूसरे भाग में उन्हें अपने ऑन स्क्रीन पिता की तरफ डाडी वाले चिंतित कठोर और सख्त एक्शन हीरो के रूप में दिखाया गया है सनी देओल अपने किरदार के मासमत को वापस लाते हैं उनके दृश्य स्क्रीन पर चमक लाते हैं अगर आप से देखें तो तारा एक शांति प्रिय व्यक्ति है जो जरूरत पड़ने पर ही अत्यधिक हिंसा का सहारा लेता है यह उन दृश्यों से स्पष्ट है जहाँ एक पाकिस्तानी पुलिसकर्मी के चेहरे पर मुक्का मारता है और राइफल उठाने की जम्मत भी नहीं उठाता जो बारे में मदद कर सकती थी अमित शाह बिल्कुल औसत हैं उन्होंने पहली में जो किया उसे कुछ अलग करने की भी कोशिश नहीं करती दरअसल मुझे वह काफ़ी निरस और निष्प्राण लगी हालांकि तारा और सकीना की केमिस्ट्री उतनी ही मधुर और शुद्ध बनी हुई है जितनी आप उम्मीद करेंगे प्रतिपक्षी के रूप में वादा बुरे देखते हैं उनकी स्क्रीन पर मजबूत है दो घंटे पचास मिनट की गदर तू थोड़ी लंबी है, आसानी से तीस मिनट का छोटा किया जा सकता था शक्तिमान तलवार का लेखन चतुर नहीं है संवादों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको वाह वाह करने पर मजबूर कर दे और जिन संवादों पर